इंट्रोड्यूसिंग वीवो वी 17 प्रो। दोस्तों वीवो अपने दो नए फ़ोन इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहा है, जो कि आपको डुअल फ्रंट कैमरा के साथ और क्वाड रियर कैमरा के साथ देखने को मिलेंगे, जो होंगे वीवो वी 17 और वीवो वी 17 प्रो। तो यहाँ पर आपको वीवो की वी सीरीज़ में दो नए फ़ोन देखने को मिलेंगे और वीवो वी 17 पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीवो वी 17 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ़ोन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा और फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि फ़ोन की बैक साइड में आपको फोर कैमरास देखने को मिलेंगे और इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। अब बात करते हैं फ़ोन के कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.39 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 404 पिक्सल पर इंच की। स्क्रीन पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि फोर कैमरास देखने को मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा और फोर्थ कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको डुअल पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पहला कैमरा मिलेगा 20 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। रियर कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और आपको रियर कैमरा में कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि 10x डिजिटल जूम, AI पोर्ट्रेट, AI ब्यूटी, पैनोरोमा और HDR। तो यहाँ पर आपको रियर कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब देखने को मिलेगी और साथ में आपको फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पर आप कोई भी गेम आराम से खेल पाएंगे, आपको कोई भी लैग, कोई भी हीटिंग इशू, कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आपको GPU मिलेगा एड्रेनो 618 का GPU, जो कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम विद फन टच OS। फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि 18 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सी टाइप का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के वेरियंट और प्राइस के बारे में। इसमें आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस आपको इंडिया में पड़ने वाली है 18,000 से 20,000 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों फ़ोन की लॉन्च डेट की बात करें तो ये फ़ोन लगभग सितंबर के लास्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ़ोन काफ़ी बेटर होने वाला है, काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।